अंधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीललिता विशाखान्वितां श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांता राधाकांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियवांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य वचो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। मुखं करोति वांछालं पंगुं लंघयते गिरिमेत कृपातमं वंदे परमानंदमात्मनं श्री गुरुदीन तारिकं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। तो कल हमने किया था भगवद्गीता अध्याय 9 का 29वें श्लोक तक किया था, 28-29वें श्लोक तक। लेकिन आज हम करेंगे शिक्षाष्टकम का श्लोका 2, है ना। शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक हमने लास्ट वीक किया था, अभी हम करने जा रहे हैं शिक्षाष्टकम का श्लोका 2। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है और इसमें भगवान के नाम की महिमा बताई गई है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है वो बताया गया। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप इसको सुनिए, ताकि आप भगवान का नाम जप करते समय पूर्ण रूप से कैसे सावधान रहना वो भी पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि पिछले शिक्षाष्टकम के फर्स्ट श्लोक में हमने देखा कि भगवान का जो नाम लेने के 7 प्रकार की कौन सी सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती हैं, और भगवान को हम क्या दे सकते हैं और भगवान हमें क्या देते हैं, कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान किया जाता है, वो आप पहला श्लोक में देख सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अभी आज हम दूसरा श्लोक देखेंगे, उसमें भगवान का नाम जप क्यों करें और किस प्रकार करना चाहिए, ये भगवान का नाम किस प्रकार जप करना चाहिए और क्यों करें, ये इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बताते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र करने का महत्व क्या है, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र में क्या शक्ति है, ये पता होना चाहिए। तो आइए रिसाइट करते हैं श्री शिक्षाष्टकम का 2nd श्लोक। नामना अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिते स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् यहा जनिनानुरागः, है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, पहले ये एक एक लाइन लेंगे, है ना। नाम नामकारी बहुधा, बहुधा यानी भगवान ने अपने नाम में, अपने बहुत सारे नाम है भगवान श्री कृष्ण के, है ना, असंख्य नाम है। तो चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, असंख्य नाम है भगवान कितने दयालु है। भगवान का नाम जप करने के लिए भगवान ने असंख्य नाम दे दिए हैं हमें, और उसमें नामों वो भगवान के गुण बता रहे हैं, है ना। नाम नाम अकारी बहुधा, यानी क्योंकि भगवान ने जीव की इच्छा के अनुसार इतने सारे नाम प्रकट किए हैं अपने, है ना, ताकि जो जीव में जो इच्छा है वो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान का नाम ले सके, है ना। और भगवान ने कृपा करके जीवों को संतोष देने के लिए ये नाम प्रकट किए हैं। और भगवान के ये नाम आए कैसे, भगवान ने अलग अलग लीलाओं करके भगवान का नाम इस तरह प्रकट किए हैं भगवान ने। जैसे भगवान रण छोड़ के भागे तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़, भगवान ने मधु नाम के राक्षस को मारा तो भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन, भगवान का नाम गोविंद पड़ गया गौ के रक्षक, भगवान का नाम पड़ गया पार्थ सारथी, है ना। अर्जुन का क्या चलाया, रथ चलाया तो पार्थ सारथी, भगवान का नाम पड़ा दामोदर, है ना। कार्तिक महीने में, दिवाली के कार्तिक महीने में भगवान ने दामोदर नाम की लीला की, उधर से बांधा था माता यशोदा ने उनको, है ना, उखल से, तो दाम रस्सी से बांधा और उधर यानी पेट, तो दामोदर भगवान का नाम पड़ा। भगवान ने द्वारका में राज किया तो भगवान का नाम पड़ा द्वारकाधीश, है ना। तो ऐसे भगवान ने बहुत सारे, मुकुंद भगवान का नाम, क्योंकि मुक्ति के प्रदाता भगवान श्री कृष्ण है तो मुकुंद भगवान का नाम पड़ा। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलग अलग नाम प्रकट किए किसके लिए, ताकि हम वो नाम लेके, है ना, हम आगे अपनी चेतना को अच्छी तरह से विकसित कर सकें और हमारी चेतना शुद्ध हो, चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे हमने पहले देखा था ना। तो भगवान का लीला करने का तात्पर्य ये है कि अनेक जीवों को आकर्षित करना है और उनकी उनकी लीलाओं द्वारा आकर्षित करे, और इस तरह उन्होंने भगवान ने नाम नाम अकारी बहुधा असंख्य नाम प्रकट किए हैं उन्होंने। भगवान के करोड़ों नाम है लेकिन भगवान का एक मुख्य नाम है कृष्ण, है ना। भगवान के करोड़ों असंख्य अवतार हैं लेकिन भगवान का मुख्य ओरिजिनल क्या है, भगवान ओरिजिनल कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, है ना, कृष्ण एक ओरिजिनल भगवान है। और जब भगवान
कृष्ण एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल भगवान है। तो भगवान का नाम लेने से हमें क्या होता है, भगवान का नाम लेने से हम भगवान के कॉन्टेक्ट में आते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भगवान से कैसे बात करूं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान का नाम लेंगे तो हम भगवान के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना। जब हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अर्च विग्रह की सेवा भी बताई, क्यों हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, है ना। मंदिर में जाते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, घर में हम अर्च विग्रह रखते हैं, है ना, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, सेवा करते हैं, ताकि हम भगवान से अपना संबंध बना सकें, है ना। मेरी दादी हुआ करती थी, वो क्या करती थी पता है, कि भगवान श्री कृष्ण को कहीं भी बाहर जाती थी ना तो खिलौने रख के जाती थी छोटे मोटे, ताकि लड्डू गोपाल के सामने, और बोल के जाती थी काना मस्ती मत करना, मैं आऊं तब तक आप इन खिलौनों के साथ खेलो। तो सी भगवान श्री कृष्ण के साथ आप ऐसे संबंध बना सकते हो, वात्सल्य का संबंध, माधुर्य का संबंध, है ना, साख्य दास्य शांत, है ना, भगवान के साथ आप पांच प्रकार के संबंध बना सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से हम जब भगवान के साथ संबंध बनाते हैं तो हमारी जो निष्ठा है वो अनपूर्ण होती है। फिर दूसरा नाम ना मकारी बहुधा, अभी आते हैं निज सर्व शक्ति, ये भगवान ने डाल दिया निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिते स्मरणे न काल। हे भगवान, आपका नाम जप करने में कोई नियम और कोई स्मरण कोई काल का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, भगवान का नाम जप करने में नियम क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम समय परिस्थिति और काल से, समय परिस्थिति और जगह, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसिस से ऊपर है। क्यों ऊपर है भगवान का नाम टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसिस से, क्योंकि भगवान का नाम कहां से आया, गोलोक से आया, है ना। चैतन्य चरितामृत में आता है ना, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, है ना। भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है वो गोलोक से आया है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के जितने भी नाम है, और भगवान श्री कृष्ण जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जो है भगवान का, ये इसमें सर्वशक्ति से, और इसको जप करने का कोई भी नियम, स्मरण करने का कोई भी काल नहीं है, है ना। आप दूसरे जो मंत्र जप करेंगे, जैसे गायत्री मंत्र हो या कोई और मंत्र हो, उसको आप जप करने के लिए क्या होता है, आपको टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसिस देखने पड़ते हैं। अगर आप उस हिसाब से नाम जप नहीं करोगे तो उसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, सब मंत्र जो है भगवान वो मोबाइल की रिंगटोन रख देंगे और कभी भी गाते फिरते हैं, और फिर बोलते हैं मेरी है ना लाइफ में बहुत सारी परेशानी चल रही है। ऑब्वियसली आएगी आपकी लाइफ में परेशानी, क्यों, क्योंकि आप उस नियम, उन सब मंत्रों का जप करने का नियम है ना, नियम है ना, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसिस है। लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे तो आप कहीं पे भी जप करोगे, आप टॉयलेट में बैठे हो माला नहीं लेके जा सकते, लेकिन अपने हरे कृष्ण जोर से जप कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण का नाम, आप सुबह जल्दी उठो और आपने नंबर दो नहीं किया है, आप मुंह धोके, आपने अपनी जो पार्टनर के साथ संग नहीं किया है, तो आप मुंह धोके हाथ पैर धोके भगवान का नाम जप कर सकते हो, उसके लिए स्नान करने की जरूरत नहीं है। तो इतना है भगवान श्री कृष्ण का नाम में, इतनी शक्ति है। तो इसके लिए हमें भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में की महिमा है ये, है ना। और भगवान गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इसके लिए इसको बोला जाता है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। और भगवान ने अपने नाम को इसलिए सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि पहले बताया मैंने आपको कि समय परिस्थिति और जगह, क्योंकि कलयुग में जो भी व्यक्ति है ना, यज्ञ दान तपस्या ये सब नहीं कर सकता, और उससे भगवान को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, और आपको पता है, आप जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं ना, सिंपली बाय चैंटिंग वी गेट द परफेक्शन। तो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम हम लेते हैं तो यज्ञ दान तपस्या इन सब का फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है, है ना। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है और जो वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम करने में प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, मतलब आपको उस सब के फल भी मिल जाते हैं, वह मात्र भक्ति संपन्न करने समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और सबसे बड़ा फल क्या है, अंततः वो मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में है, क्या बोलते हैं, वेदेशु यज्ञेषु तपसु दानेशु यत् पुण्य प्रदिष्टम
अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगिम सानुपेति चाध्यम, है ना। आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो अभी भगवान श्री कृष्ण का नाम कैसे जप करें, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, खाईते पीते सोईते चलते कैसे भी भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर सकते हो। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु आना भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे थे और यू नो विष्टा के लिए जा रहे थे, तो वह अपनी जीभा को ऐसे दांतों के बीच में दबा के जा रहे थे, क्योंकि उनके तो एक बालक मिला उनको, गोपाल नाम था उसको। बोले महाप्रभु आप ऐसे दांतों के बीच में नाम है ना ये जीवा को क्यों रख के बैठे हो। बोले कृष्ण का नाम इतना सुंदर है तो बार बार मुंह में आ रहा है और उसको रोक नहीं पा रहा हूं, इसके लिए मैंने जीवा को ऐसे किया है, और मैं जो विष्टा करने जा रहा हूं तो मुझे है ना ऐसे यू नो आई डोंट वॉन्ट टू, मैं ऐसी जगह पे भगवान का नाम जप नहीं कर सकता। तो गोपाल ने क्या किया बता बता, महाप्रभु अगर आपके विष्टा त्याग करते समय प्राण चले गए तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम में बोला नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ये हमें स्मरण हमेशा रखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का नाम, है ना। अब हम बाकी मंत्रों के नियम है वो भी हमने बताया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, नानुराग। हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान मेरा आपके है ना नाम में अनुराग नहीं है। अनुराग क्यों नहीं है, क्योंकि देखो भगवान श्री कृष्ण ने करुणा करके हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपी का कांता राधा कांता नमस्ते, भगवान श्री कृष्ण ने करुणा करते के अपने आप को दे दिया नाम के रूप में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं भगवान को अवॉइड कर रहे हैं। भगवान ने अपने आप को प्रोवाइड कर दिया अपने नाम के रूप में, लेकिन हम भगवान को अवॉइड कर रहे हैं, है ना, इसीलिए प्रॉब्लम ये है। और तो हम भगवान को हमेशा अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि कलयुग का व्यक्ति जो है फालतू में वेद तपस्या और बहुत कुछ है ना ज्ञान के मार्ग पे बढ़ना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो भगवान ने जो सरल रास्ता बताया वो नहीं कर सकते, है ना। मंद सुमंद मतो मंद भाग्य ही उपद्रता, हम लोग मंद सुमंद मतो है, मंद हमारी बुद्धि मंद है, तो हम बाकी सब चीजें नहीं कर सकते जो कलयुग त्रेतायुग द्वापर युग में था, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं। श्रीमद भागवतम कहते हैं कि कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतां यजते मखाय द्वापरे परिचायानां परिचर्यायानां कलो तद हरि कीर्तनिया, है ना। भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ और सिर्फ हरि कीर्तन से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह भगवान भी भगवान हमेशा भक्त के लिए अवेलेबल है, लेकिन हम क्या है हम लोग भगवान श्री कृष्ण को और उनके नामों को जप नहीं करना चाहते, है ना, और हम भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम को अभिन्न नहीं समझ के है ना हम क्या कर रहे हैं उनको भिन्न समझ रहे हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अब पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नामनामिनो, भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम लेने से हमें क्या होगा, है ना, स्मरण होगा। स्मरण मतलब क्या है, है ना, नाम लेने का रिजल्ट क्या है, भगवान का स्मरण। अगर स्मरण नहीं होता है नाम लेने से, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होता है तो सोच लो कि हमारी चैंटिंग में कुछ गड़बड़ है, है ना, हमारी चैंटिंग में कुछ गड़बड़ है। हमें क्या भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि ये सब प्रकट हो जाता है अपने सामने, है ना। रूप प्रकट होने का मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण का रूप प्रकट होता है मतलब क्या सामने भगवान श्री कृष्ण चित्र दिखाई देगा क्या, नहीं। रूप प्रकट मतलब ये कि भगवान के नाम में हमको भगवान की प्रेजेंस फील होगी, लेकिन वो क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते लेते हमें ये प्रैक्टिस से आएगा और भगवान हमें ये फील हो जाएगा कि भगवान और भगवान श्री कृष्ण का नाम अभिन्न है, है ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति डाल दी है ना? भगवान का रूप मतलब भगवान का व्यक्तित्व प्रकट हो जाएगा, भगवान की लीलाएं प्रकट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, है ना। स्मरण करने से भगवान के स्मरण करने का ये ही फल है भगवान का रूप प्रकट होने का, है ना। और जब जब ऐसा होता है तब हमारे नाम में रुचि आ जाती है, लेकिन जब रुचि नहीं है तो ये प्रकट नहीं होगा। और भगवान के नाम में मन क्यों नहीं लगता है, कभी कभी हम लिए देखते हैं ना, तो भगवान के नाम में मन इसलिए नहीं लगता है
क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन हमें ये समझ के धीरे धीरे हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अभी आगे बता रहे हैं, ये हमने देखा नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिते स्मरणे न काला, ये देखा। अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे दुर्दैवम ईदृशम यहाजन अनुराग, यानी मेरे आप में आपके नाम में कोई आसक्ति नहीं है, मैं इतना अभागा हूं, है ना, मंद सुमंद मतो मंद भाग्य ही उपद्रता, तो मैं इतना अभागा क्यों, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम के जप को इतना आसान बनाया ना कि उसको समय परिस्थिति और जगह के, है ना, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसिस में को भी उन्होंने ऊपर से ऊपर रख दिया। तो हमें हमें ये जप करने में फिर भी जो है दुर्दैवम, दुर्दैवम का मतलब क्या है, क्यों हो रहा है मेरे साथ अनुराग क्यों नहीं है भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने में, दुर्दैवम, दुर्दैवम मतलब मैं नाम जप करते समय भगवान बहुत सारे अपराध कर रहा हूं, है ना। भगवान के नाम जप करने के प्रति 10 अपराध हमने देखे ना, तो उसमें सबसे बड़ा अपराध क्या है पता है आपको, कि मैं जो है नाम के बल पे ऊपर पाप करता हूं, सबसे बड़ा अपराध वो है। जब तक मैं नाम के, है ना, बल पे पाप करूंगा तब तक मेरा जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते समय मेरा मन नहीं लगेगा, ये प्रॉब्लम है। और हम सावधानी पूर्वक नाम क्यों नहीं जप कर पाते, क्योंकि हम भगवान के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचते हैं कि हम मेरा क्या होगा, है ना। तो जब आप जप कर रहे हो तो ऐसी बहुत सारी थिंकिंग्स आती है मन में, तो उसको लिखो और फिर सोचो ये नाम जप करने के बाद ये एक्चुअली जो भी चीजें मेरे सामने आ रही है ये तो सब बकवास है, मैं कौन कौन सी चीजों के बारे में सोच रहा था, है ना। इसीलिए हमको नाम जप करते समय मैं अपराध करता हूं ना, इसीलिए मेरा नाम जप करने के टाइम पे मन नहीं लगता, है ना। मैं यहां अपने आप के ऊपर लूंगा, नाम जप करने के टाइम पे इसीलिए मेरा मन नहीं लगता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आइडियाज, अपनी आइडियाज को छोड़ के, है ना, भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए, है ना। अपने आइडियाज को हम ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने आइडियाज को हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं मैं सही हूं बाकी सब गलत है। हमने बहुत सारे जन्म दे दिए अपने आइडियाज से चला दिया, लेकिन एक जो है ना भगवान श्री कृष्ण के और गुरु प्रामाणिक गुरु के आदेशों को हम फॉलो करें, एक जन्म दूसरों की आइडिया पे चलेंगे तो देखिए कितना हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन हम इतने करोड़ों लाखों जन्मों से अपने आइडियाज पे चल रहे हैं, इसलिए है ना पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरे जननी शयनम जननी जठरे शयनम, तो हम लोग बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आइडिया से चल रहा हूं, प्रॉब्लम वो है, है ना। हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का आदर नहीं कर रहे, है ना, आदर कर रहे नहीं कर रहे, मतलब उसमें जो है ना, देखो बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, झुकते हैं, लेकिन वो स्वार्थ के साथ झुकते हैं। आदर नहीं करने का मतलब है कि भगवान के नाम के साथ आदर करने का मतलब है, जप के साथ आदर करने का मतलब क्या है पता है आपको, क्योंकि हमारी भगवान को नाम जप करते समय भी हम हमारी भौतिक इच्छाएं जो है वो पूरी करना चाहते हैं, है ना। लेकिन जब हम नियम फॉलो करेंगे, चार नियम फॉलो करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के नाम को, है ना, सुनेंगे, तब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के नाम पे, हरे कृष्ण महामंत्र पे हमारा फोकस होगा। एक ही दिन में नहीं होगा, है ना, नियम पालन करते करते भी हमको टाइम लगेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी बहुत टाइम हो गया भगवान के नाम में जप में मन नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम जो है अपना आइडियाज लगा रहे हैं, अपने आइडियाज लगा रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे ना देख रहे हैं, हम नाम के बल के ऊपर पाप कर रहे हैं इसके लिए, है ना। हालांकि नाम के बल की इतनी महिमा है कि जब आप नाम के बल पाप करोगे और नाम लोगे तो ना वो पाप धुल जाएगा आपका, लेकिन हम नाम को क्या है, सर्फ एक्सेल वॉशिंग मशीन की तरह ले रहे हैं। चलो ठीक है, कपड़ा गंदा हो गया, बाहर आया, ठीक है साफ हो गया, फिर हम पाप करेंगे, फिर गंदा करेंगे, फिर वॉशिंग मशीन नाम रूपी में डाल दिया, फिर सही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, नाम के बल पे हमें कभी पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे होगा, जितना हम एसोसिएशन, साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो हम जब तक साधु संग नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर जो है ये भावना नहीं आएगी कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम
ध्यानपूर्वक आदरपूर्वक बिना स्वार्थ जप करो, है ना। बहुत मंदिर में तो बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन हर कोई जो है भगवान की भक्ति करने नहीं जाता। मंदिर में जो हमेशा जाता है व्यक्ति, घंटी बजाता है, वो हर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है। हमें लगता है वो भक्त है, नहीं, हर व्यक्ति जो मंदिर में जाता है वो भक्त नहीं है। वो हर व्यक्ति 99.99% जो है वो स्वार्थ से जाते हैं भगवान के पास। हम लोग जो आरती भी गाते हैं कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग आरती गाते हैं, क्या है, सुख संपत्ति दे दाता कष्ट मिटे तन का। इधर भी हमारी प्रॉब्लम क्या है, कष्ट मिटे तन का और सुख संपत्ति दे दाता। हम आत्मा के लेवल पे सोच ही नहीं रहे, प्रॉब्लम हमारी ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आत्मा के लेवल पे नहीं सोच रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं या भगवान की आरती करते हैं तो सुख संपत्ति दे दाता कष्ट मिटे तन का, तन के लेवल पे ही सोच रहे हैं, है ना। हम आत्मा के लेवल पे सोच ही नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है हमारी। तो इसीलिए हम लोग जो सुबह मंगला आरती करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, संसार दावा नलली ढलोका त्रणाय कारुण्यम घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणर्णवस्या वंदे गुरु श्री चरण रविंदम, है ना। हम लोग सुबह मंगला आरती करते हैं संसार दावा नलली ढलोका। ये संसार जो है ये दावानल है, दावानल मतलब जंगल में लगी हुई आग के बराबर है। लेकिन ये जंगल में आग कैसे बुझेगी, है ना। प्राणी जो जंगल में होते हैं, पशु होते हैं, वो फंसे होते हैं तो जंगल से बाहर नहीं निकल सकते, आग लगी होती है तो। और जंगल की आग कौन लगाता है, कोई बाहर से लगाने नहीं आता है, दो लकड़ियों के घर्षण से जंगल की आग लगती है। तो हमें, हमारे अंदर जो आग लगी हुई है हमारी इच्छाओं के कारण लगी हुई है, तो उस आग को बुझाएगा कौन, है ना। एक प्रामाणिक गुरु आएगा, वो कृपा करेगा हमारे ऊपर, कृपा रूपी वर्षा करेगा, उस वर्षा से जो है हमारी आग बुझेगी, है ना। संसार दावा नल ली ढलो का त्रणाय कारुण्यम घन घनत्व, है ना। जब जंगल में आग लगती है कितनी भी फायर ब्रिगेड्स बुला लो लेकिन जंगल की आग नहीं बुझा पाते। लेकिन बाद में क्या होता है, एक बारिश होती है जोर से, है ना। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह वर्ल्ड में आग लगती है, आपने देखा होगा जंगल में। तो जंगल में आग बुझती कैसी है, आप देखना, वो जंगल में आग बुझती है सिर्फ और सिर्फ, है ना, बारिश से बुझती है। उसी प्रकार हमारे इस संसार में हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इच्छाओं, इन सब की जो आग लगी हुई है उसको कौन बुझाता है, एक प्रामाणिक गुरु हमारे लाइफ में आता है और वो प्रामाणिक गुरु कृपा रूपी वर्षा करता है, हमें नाम दीक्षा देता है और हम उस नाम को जप करते हैं, साधु का संग करते हैं, शास्त्रों को संग करते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके हमारी ये अग्नि, इच्छाओं की अग्नि ठंडी होती है। और सिर्फ मेरी एक ही इच्छा रह जाती है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा है, श्री कृष्ण चैतन्य की, वो मेरी इच्छा हो। और इस भौतिक जगत में, इस संसार में, है ना, भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा का कीर्तन फैले, जो भगवान की इच्छा हो वो मेरी इच्छा हो, तब जाके ये मेरी लाइफ सक्सेसफुल होगी, तब जाके मेरा मन लगेगा भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करने में। अदरवाइज मैं अपने स्वार्थ के साथ जाऊंगा तो मेरा मन कभी भगवान श्री कृष्ण के जप में नहीं लगेगा, नाम जप में लगेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो ना फिर तो। ये धीरे धीरे आएगा, उसके लिए नियम फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से नियम है, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, है ना। जब तक ये चार चीजें नियम फॉलो नहीं करेंगे, यम नियम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम जो है ना इस संसार के दावानल से, 84 लाख योनि से निकल नहीं पाएंगे, है ना। शुरू में हम लोग जाएंगे भगवान के पास कुछ भौतिक इच्छा के लिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो इच्छाएं, है ना, धीरे धीरे कम होती जाएंगे। और मेरी एक ही इच्छा रहेगी कि भगवान श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन और उसकी सिद्धि हर जगह फैले, ये मेरी इच्छा होनी चाहिए, मेरे गुरु की इच्छा मेरी होनी चाहिए, अपने आइडिया से नहीं होनी चाहिए, है ना। एक व्यक्ति है, अब जब भी गुरु ने बोला आपको कि आप प्रचार करो, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, शिष्य के गोवर्धन की परिक्रमा लगाता है, रोज 24 कोस की 84 कोस की रोज परिक्रमा लगाता है, तो उसने गुरु की अवज्ञा की। वो फिर कितनी भी परिक्रमा कर दे उसका नाम जप में, है ना, मन नहीं लगेगा। वो बाहर से लगेगा कि वो सिद्धि कर रहा है, वो बहुत तपस्वी है, नाम जप कर रहा है, रोज परिक्रमा कर रहा है, नहीं। जब गुरु ने बोला कि आप पुस्तक वितरण करो, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता पुस्तक वितरण करो, अगर गुरु ने ये बोला है, श्री प्रभुपाद ने ये बोला है, और हमारे इस्कॉन के जो
गुरु ग्रंथ है, वो ये बोल रहे हैं पुस्तक वितरण करो, भगवत गीता बांटो लोगों में, लोगों को प्रचार करो, संकीर्तन करो, संकीर्तन करो, रोड पे जाओ कीर्तन करो। अगर मैं ये नहीं करूं और मैं अपनी आइडिया से चलूंगा तो मैं वापस जयपुर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसूंगा। मुझे अपनी आइडियाज को त्याग करना और भगवान श्री कृष्ण की जो आइडियाज हैं उसको जीवन में उतारना है। नॉलेज तो सबके पास है, वो नॉलेज को साइंस कैसे बनाएंगे? नॉलेज को साइंस तभी बना सकते हैं जब मैं भगवान श्री कृष्ण की और गुरु की जो आज्ञा है उसको लाइफ में, अपनी लाइफ में मैं उतारूंगा और उसको फॉलो करूंगा, है ना, उसके प्रति मैं पूरी निष्ठा पूर्वक लग जाऊंगा, तो वो मेरी एक्चुअली सिद्धि है, है ना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करियो एक और न करियो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐ से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्वे आशा, है ना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करियो एक, मेरे चित्त में गुरु मुख वाक्य जो है उनके मुख से, जो पद्म मुख से निकले हैं वाक्य, वो मेरी है ना जो होनी चाहिए, है ना, मेरा है ना संकल्प होना चाहिए। चित्ते करियो एक और न करियो मने आशा, मेरे मन में और कोई आशा नहीं होनी चाहिए, दैट इज हमारा लाइफ का गोल होना चाहिए। लेकिन हम अपनी आइडिया से चल रहे हैं इसीलिए हम फंसे हुए, प्रॉब्लम हुए, हमारी आइडिया से चल के हम लोगों ने करोड़ों करोड़ों जन्म बिता दिए, पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म मिला होगा, पता नहीं कितनी बार 84 लाख योनि में फंसे। लेकिन एक लाइफ गुरु कृष्ण साधु है ना, भगवत गीता शास्त्रों के हिसाब से जी के देखो, बहुत ही आनंद आएगा और आप 100% जीते जी मुक्त रहो। हरे कृष्णा। कृपया मुझसे कुछ भी भूल हो गई तो उसे क्षमा करें। मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, अभी 11:30 बजे आधे घंटे बाद मेरा गूगल मीट पे भी लेक्चर है। तो हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवत्पाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें ताकि लोगों को श्रीमद् भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत शास्त्रों का ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान मिल सके। ठीक है, हरे कृष्ण।